alaikum Lesson six: The White Mouse Circus, page sixty-one. Let's continue our reading to know more about that young boy who was training his mice. I settled into the room. I entered the The meeting of the Royal Society for pre for the prevention of cruelty to children must have taken place earlier in the day. Butchumperzone. से बचाओ के लिए रॉयल सोसाइटी की मीटिंग दिन के आगाज़ में ही हुई होगी एंड नाउ दे हैड ऑल गॉन होम और अब वो सब घर जा चुके होंगे इवन इफ़ दे हैड नॉट अगर छ वो नहीं गए इवन इफ दे डिड सडनली कम पोरिंग इन यहाँ तक कि वो अचानक से अंदर आ गए दे वुड बी वंडरफुल काइंड पीपल वो काफ़ी रहमदिल लोग होंगे हु लुक विद फेवर जो शफकत से देखेंगे या शफकत दिखाएंगे अपॉन अ यंग माउस ट्रेनर एक छोटे माउस ट्रेनर पर गोइंग अबाउट हिज बिजनेस जो कि अपना बिजनेस या अपना काम कर रहा है एट द बैक ऑफ द रूम देयर वाज अ लार्ज फोल्डिंग स्क्रीन कमरे के आखिर पर एक बड़ी फोल्डिंग स्क्रीन थी विद चाइनीज ड्रैगन पेंटेड ऑन इट उस पर चाइनीज ड्रैगन पेंट हुए थे आई डिसाइडेड टू गो बिहाइंड द स्क्रीन मैंने इस स्क्रीन के पीछे जाने एंड डो में ट्रेनिंग दी और मेरी ट्रेनिंग या जोहों को सिखाने के अमल को वहाँ जा कर करने का फ़ैसला किया आई वॉज ए पिट फ्राइट एंड ऑफ दिवेंशन ऑफ क्रोलिटी टू चिल्ड्रन पीपल मैं बच्चों पर जुल्म से बचाव वाले लोगों से ज़रा भी खौफजदा नहीं था बट देर वॉज ऑलवेज अ चांस दैट मिसटर श्रिंगर माइट पॉप हिज हैड अराउंड द डोर लेकिन ये ज़रूर मुतव था कि मिस्ट श्रिंगर शायद दरवाजे से अपना सर अंदर दाखिल करें इन अ सेंस कि वो अंदर देखने की कोशिश करें आई केप टॉप टोड टू द बैक ऑफ द रूम मैं पंचों के बल कमरे के पीछे गया एंड Settled माई on ऑन carpet बिहाइंड द बिग स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन के पीछे कारपेट पर बैठ गया वॉट splendid place this वॉस कितनी शानदार जगह थी ये आइडियल फॉर माउस ट्रेनिंग चूहों की ट्रेनिंग के लिए मिसाली आई टुक विलियम एंड Mary आउट ऑफ माई ट्राउजर पॉकेट्स मैंने विलियम और मैरी को अपने ट्राउज़र की जीबों से बाहर निकाला द सेट बी साइड मी ऑन दार्पेट क्वाइट एंड वेल बिहेवड वो कारपेट पर मेरे साथ बैठ गए खामोश और अच्छे तरीके से द ट्रिक आई वॉज गोइंग टू टीच दैम वो करतब तो जो मैं उन्हें सिखाने जा रहा था टुडे आज वॉज टाइट रॉप वॉकिंग रस्सी पर चलना थी इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउस ये एक जहीन चूहे को सिखाना इतना भी मुश्किल नहीं था टू बी एन एक्सपर्ट टाई ट्रॉप वॉकर एक माहिर रस्सी पर चढ़ने वाला प्रोवाइड यू नो एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट यकिन आप इसके बारे में जानते हैं फर्स्ट यू मस्ट हैव अ पीस ऑफ स्ट्रिंग सबसे पहले आपके पास एक तार का टुकड़ा होना चाहिए आई हैड दैट मेरे पास था देन यू मस्ट हैव सम गुड केक फिर आपके पास अच्छे केक होने चाहिए अ फाइन करंट केक इज़ द फेवरेट फूड ऑफ वाइट माइस एक अच्छा किशमिश का केक सफ़ेद चूहों की पसंदीदा खुराक है आई हैड ब्रॉट विद मी अ रॉक केक मैं अपने साथ रॉक केक लाया था विच आई हैड पॉकेट द डे बिफोर जिसके मैंने एक दिन पहले ही जेब में रख लिया था रॉक केक इज़ करंट केक एंड इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर शेप यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग टाइट बिटवीन योर टू हैंड्स आप तार को अपने दोनों हाथों के दरमियान ज़ोर से खींचें बट यू स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट लेकिन आप इसे बहुत छोटा रखते हुए शुरू करें ओनली अबाउट थ्री इंचेस तकरीबन सिर्फ तीन इंच तक यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड आप चूहे को अपने दाएं बाजू पर दाएँ हाथ पर रखें एंड अ लिटल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड और केक के एक छोटे टुकड़े को अपने बाएं हाथ पर द माउस इस तरह फॉर ऑनली थ्री इंच अवे फ्रॉम द केक इस तरह चूहा सिर्फ तीन इंच दूर होता है केक से ही कैन सी इट वो इसे देख सकता है एंड ही कैन स्मेल इट और वो उसे सूंघ सकता है हजविस कर्स ट्विच विद एक्साइटमेंट उसकी मूछें जोश से हिलती हैं ही कैन ऑलमोस्ट रीच द केक बाई ली फारवर्ड वो आगे को झुक कर तकरीबन केक तक पहुँच सकता है बट नॉट क्वाइट लेकिन ऐसा भी नहीं है ही ओनली हैज़ टू टेक टू स्टेप्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग उसे तार पर सिर्फ दो कदम लेने होंगे टू रीच इट्स दिस टेस्टी मॉर सेल इस मज़ेदार लुकमे तक पहुँचने के लिए ही वेंचर्स फॉरवर्ड ऑन वन पा ऑन द स्ट्रिंग He ventures forward. वो आगे को आता है one paw on the string. एक पंजा तार पर Then the other. और फिर दूसरा If the mouse has a good sense of balance. चूहा अगर तोजन की एक अच्छी सेंस रखता है And most of them have. और इनमें से ज़्यादातर रखते हैं He will get across easily. वो आसानी से दूसरी तरफ आ जाएगा या फिर इसे पार कर लेगा आई स्टार्टड विध विलियम मैंने विलियम से शुरू किया ही वॉक द स्ट्रिंग विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन वो एक लम्हे की तखीर के बगैर तार पर चला आई लेट हिम हैव अ क्विक निबल ऑफ द केक मैंने इसे जल्दी से केक को कुतरने दिया जस्ट टू वेट हिज एपीटाइट सिर्फ उसकी भूख को बढ़ाने के लिए दैन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड फिर मैंने उसे अपने सीधे हाथ पर वापस रखा दिस टाइम आई लेंथन द स्ट्रिंग इस दफ़ा मैंने तार को लंबा कर दिया आई मेड इट अबाउट सिक्स इंचज लॉन्ग मैंने इसे तकरीबन छः इंच लंबा कर दिया विथ सुपर बैलेंस बहुत अच्छे बैलेंस के साथ विलियम वॉक स्टेप बाई स्टेप स्टेप अलॉन्ग द स्ट्रिंग विलियम तार पर कदम ब कदम चला अनटिल ही रीच्ड द केक यहाँ तक के वो केक तक पहुँच गया ही वॉज रिवॉर्डेड विद एन अदर नेबल उसे एक दूसरी बाइट से नवाजा गया या एक दफ़ा फिर से कुतरने दिया गया क्वाइट सुन जल्द ही विलियम वॉज वॉकिंग अ ट्वेंटी फोर इंच टाइट ड्रॉप और अदर टाइट स्ट्रिंग फ्राम वन हैंड टू ददर टू रेज द केक जल्द ही विलियम एक हाथ से दूसरे की तरफ केक तक पहुंचने के लिए चौबीस इंच लंबी रस्सी या तार पर चल रहा था ही वॉज़ इंजॉइंग हिमसेल्फ सेल्फ ट्रिमेंट वो खुद भी बहुत लुफ्फोज़ हो रहा था आई वॉज केयरफुल टू होल्ड द स्ट्रिंग ने द कारपेट मैं तार को कारपेट के नज़दीक पकड़ने में काफ़ी मोहतात था सो दैट इफ़ हिट इट लूज बैलेंस ताकि अगर वो बैलेंस खो देता है तवासन खो देता खो दे ही वुड नॉट हैव है टू फॉल वो ज़्यादा नीचे ना गिरे बट ही नेवर फेल लेकिन वो कभी नहीं गिरा विलियम वॉज ऑबियसली अ नेचुरल एक्रोबेट विलियम यकीन एक कुदरती एक्रोबेट करतब दिखाने वाला था अ ग्रेट टाइट ऑफ वॉकिंग माउस एक अजीम रस्सी पर चलने वाला चूहा नाउ इट वॉज मेरी स्टर्न अब ये मैरी uh, की बारी थी आई पुट विलियम ऑन दार्पेट बीसाइड में मैंने विलियम को कारपेट पर अपने साथ रखा एंड रिवॉर्डेड हिम विद सम एक्स्ट्रा क्रम्स एंड आ करेंट और उसे कुछ मजीद क्रम्स टुकड़े ब्रेड के टुकड़े और किशमिश से नवाजा दैन आई स्टार्टड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन ऑल ओवर अगेन विद मैरी फिर मैंने मेरी के साथ इस तर्ज अमल को फिर से शुरू किया माई ब्लाइिंग एम्बिशन मेरी अंधी ख्वाहिश इट इज़ इन अ सेंस कि ऐसी ख्वाहिश जिसमें आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हों यू सी आप देखते हैं माई ड्रीम ऑफ ड्रीम्स मेरे ख्वाबों का ख्वाब वॉस टू बिकम वन डे द ऑनर ऑफ अ वाइट माउस सर्कस एक दिन एक वाइट माउस सर्कस के मालिक बनने का था ऑनर बनने का था आई वुड हैव अ स्मॉल स्टेज मैं एक छोटा स्टेज रखूँगा विद रेड कर्टन्स इन फ्रंट ऑफ इट उसके सामने लाल कर्टन्स के साथ एंड व्हेन द कर्टन्स वर ड्रॉन अपार्ट और जब पर्दे खींचे जाएंगे द ऑडियंस वुड सी माय वर्ल्ड फेमस परफॉर्मिंग माइस वॉकिंग ऑन टाइट ड्रॉप्स हाजरीन मेरी दुनिया भर में मशहूर परफॉर्मिंग माइस वॉकिंग ऑन टाइट्रॉप्स रस्सी पर चढ़ने वाले स्विंगिंग फ्रॉम ट्रेपजीज ट्रेपजीज वर्जिशी झूला उस झूले पर झूलते हुए टर्निंग सोम सॉल्ट इन द एयर हवा में कल बाजियाँ लगाते हुए पाउंसिंग ऑन ट्रेम्पलिन ट्रेम्पलिन पर छलांगे लगाते हुए एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट और इस तरह के बाकी काम करते हुए चूहों को देखेगी आई वै वाइट माइस राइडिंग ऑन वाइट रैट्स में छोटे सफ़ेद चूहों पर चलते हुए या उन पर बैठते हुए बड़े सफ़ेद चूहे रखूँगा एंड द वुड उप फ्योरअसली राउंड एंड राउंड द स्टेज और छोटे चूहे स्टेज के इर्द गिर्द मुश्तल अनाज में दौड़ते फिरेंगे आई वॉज़ बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ ट्रेवलिंग फ़र्स्ट क्लास ऑल ओवर द ग्लोब विद माई फेमस वाइट माउस सर्कस मैंने खुद को अपने मशहूर वाइट माउस सर्कस के साथ पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास में घूमते एंड परफॉर्मिंग बिफोर ऑल द क्राउंड हैड्स ऑफ यूरोप और यूरोप के तमाम बादशाहों के सामने परफॉर्म करते हुए ख़ुद को देखना शुरू कर दिया था या हम कह सकते हैं कि उसने ये सब इमेजिन करना शुरू कर दिया था सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज ड्रीम्स दिस वॉज योर स्टोरी ऑफ द वाइट माउस सर्कस होप यू इंजॉय इट नाउ लेट्स रीड द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अडल टू एच अलॉन्ग इन अ सिक्रेटिव वे Wet to arouse one's appetite. Learn the mean meanings of these difficult words. Pronounce the difficult words for more than two times. This is it for today. Thank you so much.